देखिए, हमारी एसटीएफ का मुख्य उद्देश्य संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना है, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। उसी कड़ी में हमारे कई सर्विलेंस चलती रहती हैं, क्योंकि अल्मोड़ा जेल से ऑपरेशन धमकियां, एक्सटोर्शन, इस तरह के जो है हमारे पास हिंट्स पहले से थे और हम लोग के सर्विलेंस पे थे ऐसे लोग, तो उसके थ्रू हमारी एसटीएफ को पता चला कि एक बहुत बड़ा ये कोई ऑपरेशन करने वाले हैं जिसमें दो शूटर इन्होंने मंगाए हैं चंपारण साइट से और किसी बड़े व्यवसायी के या तो मर्डर या उसको डराने के लिए यूज करने वाले हैं उसको, तो उस पे हम लोग एक्टिवेट हुए। तो हमने इनके अरेस्ट के साथ साथ जेल में भी साइमल्टेनियस रेड करवाई, तो जेल से भी हमें 3 मोबाइल, 4 सिम और 1,29,000 रुपया नकद मिला है। जेल का एक ड्राइवर जो है, जेल स्टाफ का एक ड्राइवर जो ओपनल का कर्मचारी है अदरवाइज, उसको भी हमने अरेस्ट किया क्योंकि उसके खाते में 10 लाख रुपया अवैध रूप से ट्रांसफ़र हुआ है। तो उसको देखते हुए हमारे जेल के अन्य स्टाफ भी हमारी विवेचना और जांच के दायरे में है। द्वार से अरेस्ट हुआ है और ये जो जो मास्टरमाइंड है, जो अब्दुल कलीम, ये खुद मंगलोर का रहने वाला है और आजीवन कारावास से सजा याफ्ता है, किंतु ये जेल बदलता रहता है और ये इस तरह के फिर से वहाँ से एक्सटोर्शन का प्रयास करता रहता है।